कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड के उन 3 कांग्रेसी विधायकों को अंतरिम जमानत दे दी है जिन्हें पश्चिम बंगाल में भारी नकदी के साथ कैश कांड में पकड़ा गया था। उन्हें ये जमानत सिर्फ 3 महीने के लिए मिली है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने की। पीठ ने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि विधायकों को अंतरिम जमानत देने से जांच प्रभावित होगी। साथ ही कहा कि अभी भी ये साबित करना बाकी है कि ये विधायकों की खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में झारखंड के 3 विधायकों के पास से पुलिस ने 30 जुलाई की रात को भारी संख्या में नकदी बरामद की थी। कैश इतना ज्यादा था कि नोटों की गिनती के लिए काउंटिंग मशीन मंगवानी पड़ी थी। हावड़ा सिटी पुलिस के DCP साउथ प्रतीक्षा झाखरिया के मुताबिक राजेश कच्छप, नमन विक्सेल कुंगारी और इरफान अंसारी के पास से ये नकदी मिली थी। इस घटना को लेकर झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा था कि इस साजिश के पीछे BJP का हाथ है। वे लंबे समय से गैर BJP शासित राज्यों में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सार्वजनिक डोमेन में है कि उन्होंने कैसे महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर किया। बाद में कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा और झारखंड कांग्रेस प्रभारी विनाश पांडे ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी कि इन विधायकों को निलंबित कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा था, BJP का ऑपरेशन लोटस बेनकाब हो गया। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस आज की रात हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हमदों का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ देवेंद्र ED की जोड़ी से करवाया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।